मेरे इतों लगाई ठीक है, अच्छा नहीं लगना मेरा मेजरमेंट ठीक है। सो हमारी बस टू जो है, बस टू भी सेम बस वन जितनी ही आएगी 8.75, ये मैंने मार्क लगा दिया। अब वेस्ट कितनी है, वेस्ट है 28, 28 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे सेवन, ये हमारी वेस्ट जो है थर्ड वाला पॉइंट वो पूरा सेवन आ गया। अब जो हिप है हमारी, हिप है हमारी 36, 36 ये हमारी हिप का साइज़ है। यहाँ पे हमारी हिप आ रही है, यहाँ पे हमारी वेस्ट आ रही है, ये वाला पोर्शन है जो ये हमारा ऐसे ही प्रॉपर होएगा। तो हमारी हिप है, हिप जो है 36 आ रही है, अगर 36 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो वो हो गया 9, ये हमारी पूरी मेजरमेंट ऐसी लगेगी 9, ठीक है। अब इसको हमने कैसे मार्क करना है, लाइक ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये कर्व में आएगी क्योंकि वेस्ट में हमारी कर्व होता है, एंड ये हिप में आएगी। अगर आप लोग मेजरमेंट मेजरिंग टेप के साथ करना चाहते हो तो भी हमारा लग सकता है, ये होगी हमारी। अब हमारी बात आ रही है ए लाइन कुर्ती पे, तो ए लाइन कुर्ती अगर हमने स्ट्रेट बनाना हो तो ऑब्वियसली हम जो घेरा है ना उसका ब्रेथ है वो पूरी 9 रखेंगे। ये हमारा होता है स्ट्रेट फॉर्म में, ये तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती होती है जो हम नॉर्मली वेयर करते हैं। अब मुझे ए लाइन लुक चाहिए, तो अगर आप चाहते हो कि 2 इंचज़ ही एक्स्ट्रा हो तो आप 2 इंचज़ भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग पेपर ही आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हो, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप पूरा रख सकते हो, आपकी विश है। तो ये हमारी ऐसे प्रॉपर शेप जाएगी नीचे से, ये हमारी प्रॉपर आ जाएगी ए लाइन कुर्ती, ए लाइन लुक लाइक दिस। तो इसको हम एक स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स इसको प्रॉपर करना, ये ना हो कि आप एक दूसरे की मेजरमेंट लगाते हो तो ये गलत हो जाए। ये हमारा हो गया ए लाइन शेप। अब आप देख रहे हो कि प्रॉपर ये स्ट्रेट फॉर्म में आएगा और ये इतना हमारी लुक क्या है जो ए लाइन में आएगी। अब आपकी इच्छा है कि आपने साइड में से सीम को बंद करना है या ओपन रखना है, ये आपके ऊपर है। हमारी डिज़ाइनिंग ए लाइन लुक की है तो आप कैसे भी कर सकते हो। इसके बाद हमारी आता है ऊपर, अब इसकी लेबलिंग का है, यहाँ आ जाएगा बस्ट वन, बस्ट टू, वेस्ट, ये नोट करना कि आपने सारा कुछ कैपिटल्स में ही लिखना है, एंड हिप, ये आ गया ब्रेथ, या फिर इसको आ जाएगा हेमलाइन, ये आपने अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा रखना है कि आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए। और अब हमारा होता है, मैंने आप लोगों को साइज बताया था कि हमने फ्रंट पट्टी लेनी है, फ्रंट पट्टी मान लो अगर हमारी 6 आती है, इसका साइज़ भी मैंने आपको लेना बताया था, फ्रंट पट्टी अगर आपकी 6 आ रही है एंड बैक पट्टी अगर आपकी 7 आ रही है, तो फ्रंट पट्टी यहाँ पे आएगी बस्ट वन पे 6, ये 6 मैंने ऐसे कर लिया, मार्क लगा लिया। अब इसको शोल्डर के साथ डायगनली ऐड करूँगी लाइक दिस, ये आ गया हमारा। अब हमने ये होता है कि हमने मोड़े की कार्ड डालनी होती है आर्म होल की, अब मैंने इसको 0.75 बार जाना है, 0.75 वो मैं बाहर चली गई लाइक ऐसे, मैंने एक स्ट्रेट फॉर्म में रख लिया से, एंड इसको मैंने कर्व शेप देनी है, ये हमारी आपकी आ गया फ्रंट, फ्रंट कार्ड, इसको फ्रंट मोड़ा बोलते हैं। अब हमारी जो है
बैक की कार्ट वो कैसे डलेगी, वो इसी कॉर्नर से 0.75 हमने बाहर को जाना है। तो ये मैं यहाँ से चली गई और ये मेरी डल गई बैक का। एंड ये ऐसा है कि हम लोग वैसे ड्राफ्टिंग पेपर को प्रॉपर पूरा पूरा ही काटते हैं, हम इसमें सीम अलाउंसेस ऐड नहीं करते, वो ऑन द स्पॉट फैब्रिक पे डिसाइड होता है कि हमने सीम अलाउंसेस कितने रखने हैं। वैसे हमारे 1.5 सफिशेंट है, अगर आप 2 इंचेस भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो ये हमारी प्रॉपर मेजरमेंट की कटिंग होगी। और हमने नेक कितना बनाना है, अगर तो आपका नेक बोट नेक में आ रहा है तो उसकी काट जो है वो 4 इंचेस पे डलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका आपने राउंड नेक या वी नेक कुछ रखना है तो वो आपका 2.75 पे कट होगा, इसके आपके अकॉर्डिंग ही कटिंग होगी। आप अगर चाहते हो कि बोट नेक बनाना तो 4 इंचेस यहाँ से रख के और यहाँ से 3.5 इंचेस डाउन, तो आप लोग एक बॉक्स क्रिएट कर लोगे। ये हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ऐसे और मैंने 0.75 फिर अंदर जाना है ताकि मेरी शेप अच्छे से बन जाए बोट नेक। तो ये ऐसे है। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा और मतलब ऊपर ऊपर वाला चाहिए तो आप 1 इंचेस ही रख सकते हो। ऐसे जो बोट नेक बनेगा वो बहुत डीप बनेगा, डीप नहीं होती इसकी शेप, पूरी बोट की तरह होती है। तो ये हमारी जो शेप है ना वो ऐसे आ जाएगी। ये आपको अब भी शेप्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपने कैसे बनानी है। वन मोर थिंग, अब मोस्टली बच्चों का ना जो है वो बॉडी स्टाइल का बॉडीज डलनी है उसमें ए लाइन कुर्ती में, तो बॉडीज का साइज भी हमने कैसे लेना है वो आपके ऊपर है कि हमने बॉडी यहाँ से लेके हमारी बॉडी यहाँ तक आती है, 15 आती है, 16 आती है, आपके अकॉर्डिंग आपने जितनी रखनी है। अगर आपकी 15 आ रही है बॉडीज, यहाँ पे 15 आपने रखना है, 15 रख लिया एंड 15 को एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये आपका बॉडीज का साइज़ हो गया। मोस्टली बच्चों का है कि यहाँ पे बॉडीज कट होगा फिर उसके बाद ए लाइन, लेकिन ड्राफ्टिंग सबकी एक जैसी ही होगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा बॉडीज। अब बॉडीज क्या क्या है, अब जब अगर आपने बॉडीज वाला बनाना है कुर्ती तो बॉडीज जहाँ पे आपकी आएगी उसके बाद आप उसका राउंड साइज़ भी लोगे। तो राउंड साइज़ अगर 26 आ रहा है तो यहाँ पे जितना भी आएगा आपको उतना मेंशन करना पड़ेगा। और इस मेन यही बात है, बॉडीज वाले जो जिनके पैटर्न्स हैं उनको ये पोर्शन अलग कट करना पड़ेगा एंड ये पोर्शन अलग कट करना पड़ेगा, लेकिन ड्राफ्टिंग इसी के अकॉर्डिंग ही होगी। सो ये हमारी ड्राफ्टिंग है ए लाइन होती है, उसके बाद इसको हम ऑन फोल्ड पे ही कट कर देंगे। लेंथ हो सकता है कि आपकी छोटी आए ड्राफ्टिंग पेपर पर, आप लेंथ जितनी आती है उतनी रख के आप उसको उसके बाद फैब्रिक पे उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने इसकी काट जो है वो बैक साइड की ही काटनी है, फ्रंट साइड की काट हम अभी नहीं काटेंगे। और याद रखना ज़रूर कि सीम अलाउंसेस जो हैं ज़्यादा कपड़ा वो हमने फैब्रिक के ऊपर डिसाइड करना है और फैब्रिक के ऊपर ही कटिंग करनी है। अब इसका मैं नेक कट कर दूंगी 4 इंचेस पे बोट नेक।
हमारी बेसिकली ए लाइन की ड्राफ्टिंग है। ये इसकी बोट नेक हो गई, ये इसकी आर्म होल हो गई, ये इसकी बस्ट वेस्ट। अब आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि अब हमारी जो कुर्ती है वो प्रॉपर ए लाइन लुक में रेडी होगी। तो ये आज की इतनी ड्राफ्टिंग है, आप इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम स्लीव की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। जिसका स्लीवलेस होगा उसका भी बता दूंगी, जिसका स्लीवलेस नहीं होगा उसकी भी ड्राफ्टिंग बता दूंगी।